देखिए आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का। अगर आप ग्रामीण यहाँ से आते हैं और आपने जो आवास योजना के लिए फॉर्म में ब्लॉक लेवल पे आपने जमा कर दिया, मगर आपको ये कंफर्म पता नहीं चल पाया कि हमारी जो कॉलोनी है वो देखिए हमारी आ चुकी है, हमारा लिस्ट में नाम आ चुका है अथवा नहीं आ चुका है, या फिर कितना पैसा है वो हमारे अकाउंट में आएगा जिससे कि आपकी कॉलोनी बन सके। तो देखिए इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर आ जाना है। जैसे यहाँ पे आ जाएंगे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आवास सॉफ्ट का, उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट का, तो आपको रिपोर्ट वाली बटन पर टिक कर देना है। जैसे आप रिपोर्ट वाली बटन पर टिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मगर आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन मिलेगा एच यानी सोशल ऑडिट रिपोर्ट। देखिए अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो 100% आपका कॉलोनी है वो आपकी 100% बनेगी, क्योंकि ये वो रिपोर्ट होती है जब आपकी सोशल ऑडिट हो जाता है, जियो टैग हो जाता है, उसके बाद फाइनल लिस्ट में आपका नाम जोड़ दिया जाता है। तो देखिए करना कि आपको इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने फिल्टर पेज ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना है कि आप किस स्टेट से आते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना जो ब्लॉक है वो आपको चूज करना है कि आपका ब्लॉक क्या लगता है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है, आपको फाइनेंशियल अपनी फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, तो हम लेटेस्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 23-24, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। उसका लास्ट ऑप्शन बचा आपको इस पर टिक करना है, यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे आपको यहाँ पे कुछ नंबर शो होंगे, आपको ये प्लस या माइनस करके आएगा, तो जैसा भी है आपको इन्हें नंबर को यहाँ पे प्लस कर लेना है, जैसे 35+80 जो भी हो रहा है आपको यहाँ पे फिल करके सबमिट कर देना है। जैसे देखिए आप सबमिट करेंगे देखिए यहाँ पे सभी के नाम आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपको जो आपकी स्कीम नेम है देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2023-24 यहाँ पे देखने मिले, यहाँ पे देखिए आपको मनरेगा का जॉब कार्ड नंबर होता है वो देखने को मिल जाएगा। आप देखिए इस लाइन को आपको पकड़ के थोड़ा स्क्रॉल करना है, तो देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको सेक्शनल नंबर देखने को मिल जाएगा, यानी जो एप्लीकेशन नंबर होता है जो ऑनलाइन किया जाता है आपको इस तरह का एप्लीकेशन नंबर इशू किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए सेक्शनल देना की लिस्ट है किस तारीख को आपको इशू करेगी, वो डेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए लेटेस्ट डेट है 2023-24 की है, कितना पैसा आएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी देखिए किसी तरह कोई अमाउंट रिलीज नहीं किया गया है, अगर आपका अमाउंट रिलीज किया जाता वो यहाँ पे देखने को मिल जाता आपको। तो इस तरह से आप अपनी जो आवास योजना की लिस्ट है घर बैठे आप मोबाइल से देख सकते हैं कि हमारा नाम जुड़ा है अथवा नहीं जुड़ा है। तो वीडियो में जानकारी